शाबाश, ये तीन क्वेश्चन आप नोट डाउन करें मेरा बेटा। ये क्वेश्चन भी नोट डाउन करें, ये भी नोट डाउन करें, ये भी नोट डाउन करें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे बेटा। इसमें किसी को कोई मसला तो बताइएगा। लिख लिया बेटा? लिख लिया तो बताना बेटा। अच्छा जी बेटा, मैं अगला क्वेश्चन करवा रहा हूं, ठीक है? तो आप भी आप लिखे ना, बोर्ड की तरफ तो रखिए आप, ठीक है? लिखना नहीं है आपने, फिर नहीं लिखना। क्वेश्चन नंबर 23 है, उसका सलूशन है जी। 23 का सलूशन क्या है जी बेटा? लॉग ऑफ एक्स बेस 3 इक्वल टू 4। ये भी बहुत आसान सा सवाल है जी। आप लिखेंगे सबसे पहले इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये हो जाएगा जी 3 पावर 4 इक्वल टू x3 की पावर 4 कितना होता है? 81। खत्म हो गया सवाल जी। अगला क्वेश्चन देखें जी, लिखना नहीं है आपने भी 24 है जी। लॉग ऑफ 9 बेस 81 इक्वल टू x, तो आप लिखेंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अच्छा ये ना भी लिखे एक्सपोनेंशियल फॉर्म तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी मजे की बात बताऊं, लिख देंगे तो एफिशिएंसी रहेगी आपकी। क्या बात है, बच्चे को पता है। आप यूं भी लिख सकते हैं डायरेक्ट x81 की पावर x इज इक्वल टू 9। पाबंदी नहीं है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखे ही लिखे, पता होता है एग्जामिनर भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म ही है, ठीक है? ये जरा एफिशिएंसी दिखाने के लिए, बच्चे को कुछ पता, हमारे बच्चे को। अच्छा 81 देखिए, ये 9 है ना, 9 की पावर 2 करना पड़ेगा, क्योंकि ये 9 है, ये 9 की पावर 2 होगा। पावर एक्स इज इक्वल टू 9, यहाँ कोई पावर नहीं तो क्या बना दें? 1 बना दें। 9 की पावर कितनी हो जाएगा? 2x। पावर पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है, पावर पावर क्या होती है? मल्टीप्लाई होती है। ये भी आपने रूल पढ़े जी, 9 पावर 1, 9 9 6 समझो कैंसिल, तो 2x इज इक्वल टू कितना गया? 1। x इज इक्वल टू कितना गया? 1/2। 2 मल्टीप्लाई हो रहे थे, यहाँ के डिवाइड हो गया। इस जैसे एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर आपने लिखना है, लिखना भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 है बेटा, लॉग ऑफ 5 बेस 6 25 इक्वल टू 2x। अभी भी नहीं लिखना आपने, बोर्ड की तरफ तो जो रखिएगा, सेल ब्लो चाप भी और मिस्टर तारिक आप भी इधर कुछ रखिएगा जरा। समझ आ रही है आपको? अच्छा जी 625 लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म, अच्छा रहता है ऐसा लिखने से ना, जरा पता चलता है कि बच्चा कोई पढ़ा लिखा है। 625 की पावर कितनी हो जाएगी? 2x इक्वल टू 5। ये 5 है तो उसको 625 को भी 5 की बेस बनानी पड़ेगी, तो बेटा ये होता है 5 की पावर 4। कितना होता है 5 की पावर? कैसे पता चला? ऐसे इस तरह 125 फिर 5 25 फिर 5 5 फिर 5 1 5 पावर 4 बनते हैं, इस तरह पता चला है। मुझे याद था, मैंने लिख दिया, आपको याद नहीं तो आप ऐसे करेंगे। तो बेटा पावर पावर मल्टीप्लाई होती है तो 4 2 8x, यहाँ 5 की पावर कोई नहीं है तो 1 कर दें, 5 5 से कंपेयर हो गया, 8x इज इक्वल टू 1। ये वही सवाल सही है, 8 मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ क्यों हो जाएगा डिवाइड, ठीक हो गया। अब आप इसको क्वेश्चन को लिख दें, शाबाश, छापो छाप टापो टाप, जल्दी करें जी, छाप दें इसको आप। अब समझ लिया आपने तो बेशक आप इसको आप लिख सकते हैं, छाप सकते हैं। शाबाश बेटा, जब क्वेश्चन हो जाए तो बताइएगा। डेट एक्सटेंड कर रहे हैं अपने, डेट एक्सटेंड कर रहे हैं, पता नहीं है डेट होगी, राजा साहब राजा साहब 15 सितंबर 15 सितंबर से आगे एक्सटेंड कर रहे हैं। वो तो नहीं है,
ये आगे भी एक डाउट लग रहा है। असल बच्चे ना, बच्चे इतनी तैयार नहीं करते, बच्चे तो बच्चे ही है ना, बच्चे तो अकल के करते, वो इतनी तैयार करते नहीं। अच्छा बेटा साथ साथ देखिए, अच्छा शाबाश। अच्छा चाह मेरा बेटा लिखें, जी बेटा हमने जो है इसको लिखा है 2x पावर लिखा बेटा, 2x है, 2n नहीं है, 2x है, ठीक कह रही हो, सही है, 625 की पावर 2x है, लिख लिया। आपके चैट के जवाब भी देना पड़ते ना साथ में, गुड जबरदस्त, सही लिख लिया आपने, लिख लिया जी। नहीं खोलो, नेक्स्ट बेटा आपका आखिरी क्वेश्चन रहता है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन कराता हूँ, फिर लास्ट कराता हूँ, फिर बात खत्म। अगर किसी बच्चे ने नहीं लिखा बेटा तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है सबने लिख लिया होगा। मैं सारा बोर्ड अरेंज नहीं करता, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 है जी, सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो मैंने कराना है उसमें, सेकंड लास्ट, वैसे ही लास्ट है बुक का। क्वेश्चन नंबर 26 है जी, लॉग ऑफ 729 बेस एक्स इक्वल टू 2, एन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जिस तरह मर्जी आप लिखिए, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स पावर 2 इक्वल टू 729, ठीक है, दोनों तरफ के रूट डाल दें जी, आप नेक्स्ट निकालना है ना आपने, ये 27 आ जाएगा, बात खत्म, ठीक है, शाबाश। लास्ट क्वेश्चन जी, लास्ट क्वेश्चन करवाने वाला हूं, जरा देखिएगा इसको, आप नोट डाउन करें, शाबाश, लिख लें इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लें मेरा बेटा। अभी आपको मैं बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूं, शाबाश, देखिए मेरे बेटा, लिख लिए, लिखने को मस्त है तो बताइएगा, जहां से समझ नहीं बताया करें आप, लेकिन अभी आमना ने मुझे बताया, मरियम ने, अच्छा जी, अब जो है जी क्वेश्चन नंबर जो है ये तकरीबन 20 है, इसको करते हैं, और इस क्वेश्चन को भी आपने लिखना नहीं है, जरा 20 का सॉल्यूशन है जी, log of 512 to the base 2 square root 2 equal to x, लेट कर लिया आपने, इस क्वेश्चन को आपने लिखना नहीं है, पहले समझना है,
ठीक है, देखिएगा क्या होता है इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म बेटा टू स्क्वायर रूट टू की पावर बन जाएगी एक्स, ठीक है, इक्वल टू 512। अब जरा देखें यहां से बेटा आगे करने के तीन मेथड हैं, यहां से आगे स्पेशल करने के तीन तरीकाकार हैं, जिनमें से मैं पहला तरीकाकार इस्तेमाल कर रहा हूं, आपको समझ आ गई तो ठीक है, नहीं तो दूसरा करेंगे फिर तीसरा करेंगे, वो मसला नहीं है। इसको करने के तीन तरीके हैं। तो पहला तरीकाकार ये है कि ये 5 की पावर 2 की पावर 1 है और ये 2 की पावर 1 बाई 2 भी तो लिख सकते हैं, सही। 512 का जब आप ऐसा करते हैं ना इस तरह, तो ये इस तरह आते हैं ना, तो ये करते जाएंगे तो ये 2 की पावर कितना आ जाएगा, ऐसे जब करेंगे ना तो 2 की पावर 9 आएगा, ठीक हो गया, या तो कोई मसला नहीं है। देखो बेटा वैसे सेम हो तो पावर क्या हो जाती है 8, तो मैंने सेम कर दी, देखो वैसे सेम थी 2 2 तो पावर क्या होगी 8, 1 प्लस 1 बाई 2 पावर x इक्वल टू 2 पावर 9। आपको पता है यहां पे क्या होगा, यहां पे होगा एलसीएम 2 प्लस 1 की पावर x इज इक्वल टू 2 पावर 9, ये हो गया, ये वाला 2 ये आ गया, 3 प्लस 1 कितना जाता है जी 3 बाई 2 हो जाएगा कुल मिला के x, ऐसे करता हूं अभी भी x नहीं करता, इज इक्वल टू 2 की पावर 9, ये हो जाएगा जी 2 की पावर कितना जाएगा जी 3 बाई 2 साथ में x इक्वल टू 2 पावर 9, ये 2 2 से क्या कंपेयर हो गया, कितना जाएगा जी 3 बाई 2 x इज इक्वल टू 9, ठीक है। बेटा देखिएगा जरा, लिखना नहीं है जी, ये 2 डिवाइड और 12 की मल्टीप्लाई हो जाएगा जी 3x is equal to 2 multiply by 9, 3x is equal to कितना क्या 18, 3 multiply हो रहा है तो 12 आगे क्या हो जाएगा divide, यहाँ multiply यहाँ की divide हो जाएगा, 3 1 are 3, 3 6 are 18, ये लो जी आपको क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ना समझ आई तो बताना, शाबाश, लिख लिया बेटा, लिखिए इसको आप, जहां से समझ आई तो बताइएगा। मेरे बेटा स्कूल आने में कितने दिन रह गए हैं, 12, गिन के बताओ कितने दिन रह गए हैं स्कूल आने में, कब आपने आना है स्कूल, लिखिए बेटा, शाबाश, गुड, जबरदस्त लिख लिया सबने, ठीक है मेरे बेटा। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है, अपनी रिव्यू एक्सरसाइज निकालें, यहां पर रिव्यू एक्सरसाइज है मेरे बेटा पेज नंबर 68, पेज नंबर 68, रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ये आपने क्या करनी है, ये आपने होमवर्क करनी है, ऐसे ही होंगे जैसे मैंने ये किए, ठीक हो गया मेरा बेटा, कोई मसला
नहीं है। ठीक है मेरे बच्चे, उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।